ये थोड़ा ज्यादा फिल्मी हो गया, अब थोड़ी नॉर्मल एंट्री करवाते हैं। Hi, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So, I'm going to reveal something new about these places which you probably don't know. So stay tuned, follow me. So as you already know, my name is Hamdan and right now I'm with... Sorry, coffee is not important. My name is Shazar. And we are here to discuss and share our experience towards those places which you have just visited. Without any delay, let's get into this. So here's the first place, which is Independence Square, which is situated in Krishnadik Street. So I'm gonna ask directly to Shazar about his experience or view towards this place. So hey. Yeah, so as a student, जो बंदे भी मुझसे पहले यहाँ आ चुके थे, हर वो बंदा चाहे अपने स्टोरी पे, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस पे, कई लोग तो इंस्टाग्राम पे जाके लाइव हो जा रहे थे, तो हर रोज शाम को ये मुझे देखने को मिलता था। तो ऐसा था कि आधा क्रिशातिक तो मैंने इंडिया में बैठ के घूम लिया था। एग्जैक्टली जब मैंने भी जब शहर गया था ना, तो मैं भी यही चीज़ देख के गया था कि ये आखिर है क्या चीज़ जो जिसे देखो वो स्टोरी स्टेटस लाइव एंड ऑल। मुझे एक टाइम पे लगने लगा कि शायद ये मैंडेटरी है यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, अगर कोई ना जाए तो यूनिवर्सिटी वाले एडमिशन ना देंगे। एग्जैक्टली तो बहरहाल बात ये कि वैसे यहाँ का माहौल जितना रंगीन दिखता है, इतिहास इसका उतना ही डार्क है थोड़ा, जो शायद मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। एक्चुअली बात कुछ यूं है कि 2014 में यूक्रेनियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उस दौरान तकरीबन 800,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल थे। चाहे ये लोग ये रहे थे कि उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट का नाम था विक्टर यानुकोविच, और ये लोग इस्तीफा मांग रहे थे। इसके पीछे अलग कहानी है कि क्यों मांग रहे थे। उस वक्त EU के साथ इनका एक एग्रीमेंट होने वाला था जिसे ये बार बार डिले करते जा रहे थे। यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन चाह रही थी कि ये वो एग्रीमेंट हो, लेकिन आखिरकार इनके सब्र का बांध टूट गया और ये लोग प्रोटेस्ट पे उतर गए। उसके बाद आफ्टर मैच ये हुआ कि इसमें तकरीबन 130 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, साथ साथ तकरीबन 18 पुलिस ऑफिसर मारे गए। तो वही बात है, कहानी में रहती है, किरदार बदलते रहते हैं, हमेशा आम इंसान ही पिसता है, तो यहाँ भी ऐसे। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात जो ये हुई कि जो प्रेसिडेंट थे वो फाइनली यहाँ से भाग गए, क्योंकि उनकी जान पे खतरा आ गया था। जाहिर सी बात है कि 800,000 लोग अगर एक साथ आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करें तो आपकी तो फटेगी, तो उनकी फटी और वो यहाँ से रशिया भाग गए। इसके अलावा जो उनके मिनिस्टर वगैरह थे वो सब भी भाग लिए, कोई बेलारूस, कोई कहीं तो कहीं, कोई कहीं। बहरहाल तो ये किस्सा 2014 फरवरी में हुआ था, और उसके बाद नए प्रेसिडेंट बने यहाँ के पित्रो पोरोशेंको, और उसके बाद अभी का ये हाल है कि नॉर्मली जितने जिस तरीके के वाइब वहाँ पे होता है, क्योंकि लोग जाहिर से बात है मैक्सिमम लोग वहाँ की हिस्ट्री को जानते नहीं हैं, तो वहाँ पे एंजॉय वगैरह करते हैं। पर कुछ लोग जो यहाँ के रेसिडेंट हैं, जो यहाँ के नेटिव पीपल हैं, वो मानते हैं कि जहाँ पे इतनी लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं वहाँ पे एंजॉय करना सही नहीं है। तो इसके जस्ट पास में एक दूसरी जगह है सोफी हिस्का स्क्वायर करके, उनका मानना है कि एंजॉयमेंट की सारी चीज़ें वहाँ पर की जाए। पर सर, जहाँ तक मैंने सुना कि जो रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था 1990 में आई थिंक, वो लोग रेवोल्यूशन उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया था, उसी स्क्वायर से स्टार्ट किया था, इसलिए शायद उसकी वजह से वो उन्होंने वो माइंड चेंज कर दिया। और हाँ भाई, वहाँ तो से और इसे एक शोक दिन के तरह ही मनाया जाता है 23-24 फरवरी, क्योंकि इतने लोगों की जाने गई थी इस वजह से। तो हाँ, इसके अलावा ये बात बिल्कुल सही है कि वो काफ़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ का माहौल बहुत सही होता है, खास करके शाम के वक्त की बात करूँ तो ज़बरदस्त होता है। Exactly. तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ की। और सबसे बड़ी बात की सर, एक और चीज़, वहाँ पे सबसे अच्छी बात, वहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पे कुछ ऐसी 6-7 फाउंटेंस भी हैं। कुछ लोगों की मेमोरी में वहाँ पे स्टैचूज बने हुए हैं और वो उनकी याद में बनाए गए हैं, बहुत सारे लोगों का नाम वहाँ पे मेंशन है जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। तो हाँ, चलिए आपको लेके चलते हैं एक खूबसूरत जगह पे। सो लेट्स मूव।